Dr. Varsha Das is the former director of National Book Trust, India, where she worked for three decades. And after her retirement, she served as the director of National Gandhi Museum, New Delhi. She has more than 100 publications to her credit. They include originals, translations, and adaptations in the genres of fiction, non-fiction, poetry, radio plays, and books for children. She writes in Gujarati, Hindi, and English, and translates from Bangla, English, Gujarati, Hindi, and Marathi. आप सभी को मेरा प्रणाम uh, मुझे जो विषय दिया गया था वो हिंदी में था तो मैंने सोचा मैं हिंदी में ही बोलूँगी शीर्षक है गांधी जी प्रकृति एवं नारी तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में जिसे हम पर्यावरण और इकोलॉजी कहते हैं गांधी जी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था लेकिन वे उन्हें जिए थे उनके सादगी भरे जीवन में वैसे भी कम चीजों से ही काम चल जाता था ईशावास्य उपनिषद के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा और उसका जो सबसे पहला श्लोक है उसकी एक विख्यात पंक्ति है तेन तक्तेन न भूंजी था माँ गृद कस्य स्वित मतलब कि हम जो कुछ भी लें भोग करें त्यागपूर्वक उसका भोग करें और किसी और का धन कदापि ना लें अब गौर करने की बात यह है कि केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपनी जरूरत से ज्यादा उपभोग करता है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है दूसरों को उससे क्या नुकसान होगा उसके प्रति कम ही ध्यान देता है आ, शास्त्रों में तो विदुषी नारियां गार्गी मैत्री आ, विद्वानों से विचार विमर्श करती रही थी और महाभारत की जो महाकाव्य है अपने दो रामायण और महाभारत उसमें से महाभारत की तो प्राय सभी स्त्रियां पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक सक्षम पाई गई थी तो ऐसे अतीत के बावजूद काल क्रम से समाज में नारी का सम्मान घटता गया इसके राजनैतिक सामाजिक आर्थिक कई कारण इतिहास में मौजूद है पर्दा प्रथा से पुरुष का आधिपत्य बढ़ता गया नारी चार दीवारों में सिमट कर रहने लगी और ऐसे माहौल में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था तेरह साल की उम्र में उनका विवाह तेरह साल की कस्तूरबाई से हो गया था तब शायद बाल विवाह के प्रति इतना कैंपेन नहीं चला होगा तो शुरू में तो वह एक पति के रूप में अपना अधिकार दिखाते रहते थे लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि उनकी जो हुक्मी सह कर भी कस्तूरबाई वास्तव में अहिंसा का मूर्तिमंत उदाहरण बन गई थी बाद में तो कस्तूरबा ने सभी सत्याग्रहों में गांधी जी के साथ एवं अन्य सत्याग्रहियों के सक्रिय भागीदारी की और उनके कारण महिलाएं भी आ गई बाहर साथ में सत्याग्रह करने के लिए अब दक्षिण अफ्रीका की वर्ष 1913 की एक घटना शायद आप लोग जानते हैं मैं यहाँ उसको दोहराना चाहती हूँ कि फिनिक्स आश्रम में रसोई घर में बा जिसे कस्तूरबा को सब बा कहते थे रोटी बेल रही थी और गांधी जी रोटी सेक रहे थे आश्रम के और दो व्यक्ति थे जो सब्जी काट रहे थे उस वक्त तो तब गांधी जी ने कस्तूरबा से पूछा कि तुमने एक बात सुनी तो उन्होंने कहा क्या बात है तो गांधी जी बोले कि आज से तुम मेरी रखेल हो धर्मपत्नी नहीं तो कस्तूरबा एकदम चौंक गई और बोली ऐसी क्या बात कर रहे हो अशुभ बात है अपशगन की बात है तो गांधी जी ने समझाया कि सरल नामक एक न्यायाधीश ने कहा है कि जो शादियां चर्च में हुई हों या अदालत में रजिस्टर हुई हों वही वैध मानी जाएगी और बाकी की सारी अवैध मानी जाएगी तो ये तो बड़ी चिंता की बात थी इसका विरोध करना आवश्यक था कस्तूरबा ने सत्याग्रह करने की पहल की उन्होंने पूछा गांधी जी से कि क्या किया जाए तो गांधी जी ने कहा विरोध करना चाहिए अच्छा सत्याग्रह करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे जेल में भेजे जाएंगे तो गांधी जी ने कहा हाँ ये सब तो होगा जेल में मुझे खाना मैं नहीं खा पाऊंगी, हाँ वो भी होगा आ, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो फिर मैं शायद मर भी जाऊं तो गांधी जी बोले हाँ वो भी हो सकता है और फिर उन्होंने समझाया कि अगर तुम्हारी मृत्यु जेल में हो तो मैं तुम्हें जगदम्बा करके पूछूंगा और अंत में वो जेल में ही उनकी मृत्यु हुई 1944 में आगा में पैलेस में ये बात हुई थी खैर उस वक़्त तो कस्तूरबा ने उस सत्याग्रह का नेतृत्व किया और ये गांधी जी से पहले कस्तूरबा सत्याग्रह में नेतृत्व करती रही गांधी जी बाद में नेतृत्व करने लगे थे आ, गांधी जी ने यह भी माना है कि सत्याग्रह की कला और विज्ञान में कस्तूरबा उनके गुरु के स्थान पे थी तो गांधी जी और कस्तूरबा 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे तो यहाँ भी महिलाओं को पर्दे से घर की चार दीवारी से बाहर लाने की आवश्यकता थी गांधी जी हमेशा कहते थे कि नारी अहिंसा का अवतार है अहिंसा यानी अपार स्नेह दुख सहने की अपार क्षमता 1930 के नमक सत्याग्रह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हज़ारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया था जो आप जानते हैं हालांकि 12 वर्ष को 12 मार्च को जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल की सुबह को नमक का कानून भंग करने का प्रस्थान किया था तब उनके साथ जो उनासी सत्याग्रही थे उनमें एक भी महिला नहीं थी तो आश्रमवासी जो महिलाएं थीं उन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों हमें हमें साथ में क्यों नहीं लिया जाता है तो गांधी जी ने कहा कि देखो हम, आप लोग अगर साथ में होंगी तो अंग्रेज़ समझेंगे कि हम तुम्हारा ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं तुम्हारे पीछे हम छुपना चाहते हैं प, हमें नहीं पकड़े जाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे लेकिन सरोजिनी नायडू को ये बात मंजूर नहीं थी उन्होंने कहा कि नहीं हम तो चलेंगे ही चलेंगे आपको किसी भी तरह से लिखित में अनुमति देनी होगी तो गांधी जी ने आखिर उनको लिखित में अनुमति दी और वो लोग पहुंचे इसमें शामिल हो गए दांडी कूच में फिर क्या हुआ रास्ता में धरासना नाम का एक गांव आता था उस गांव में एक सार्जेंट ने सरोजिनी नायडू को वहां रोका और कहा आपको आगे जाने का ऑर्डर नहीं है तो सरोजिनी नायडू उस वक़्त बोली बड़ी हिम्मत से हमें पीछे जाने का ऑर्डर नहीं है तो फिर सार्जेंट ने कहा फिर ठीक है यहाँ खड़े रहो सत्ताईस घंटे खड़े रहना होगा उन्होंने कहा मंजूर है वो वहाँ खड़ी रही सत्ताईस घंटे खड़ी रही कुछ घंटों के बाद सार्जेंट को थोड़ा बुरा लगा उसने कुर्सियाँ मंगवाई उनसे कहा एक कुर्सी ले लीजिए उन्होंने मना किया कुर्सी नहीं ली वो नहीं बैठी और सत्ताईस घंटे जब उनके पूरे हुए तो वो अपने कैंप में कुछ समय के लिए लौटी कैंप से जब वापस आई बाहर तो उनको गिरफ्तार किया गया और बंदी भी बना दिया गया तो ऐसे तो ये तो मैंने एक ही नारी का उदाहरण दिया पूरे भारत में ऐसी सैकड़ों हजारों नारियां थीं जिन्होंने इस तरह से हिम्मत से निडरता से सत्याग्रह किए थे एक और किस्सा मैंने एक गुजराती पुस्तक में पढ़ा था पुस्तक का नाम है पारस मणिना स्पर्शे तो पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है ये बात हम लोगों ने सुनी है जब पुस्तक की लेखिका लाभुन लाभूबेन मेहता उन्होंने ऐसे पंद्रह लोगों से बात की थी जिन जो गांधी जी के सं, आ, संपर्क में आने के बाद जिनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था लाभूबेन स्वयं जब पंद्रह वर्ष की भी नहीं थी तो नमक सत्याग्रह में शामिल हुई थी उनको भी गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाला गया था और ये लाबूबेन यानी मेरी माँ तो इस पुस्तक में लाबूबेन ने गोशीबेन कैप्टन नाम की एक पारसी महिला से हुई बातचीत को दर्ज किया है जो मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ गोशीबेन अमीर परिवार की थी नरम रेशमी वस्त्र पहनती थी विदेश में पढ़ी थी तो भारत के एक सुविख्यात उद्योगपति और दानवीर जमशेद जी टाटा उन दिनों लंदन में थे उनके घर में गोशी बहन गई थी अब अब ये जो उद्योगपति थे वो हर साल पतेती के समय यानी पारसियों का जो नया साल होता है अपने घर में एक दावत देते थे और लंदन में जो भारतीय थे उन सबको उसमें बुलाते थे उस समय गांधी जी भी वहाँ थे दक्षिण अफ्रीका से लंदन गए हुए थे तो गांधी जी भी उस दावत में आए गोशीबेन उनको देखकर थोड़ी सी प्रभावित हुई उन्होंने तो पाश्चात्य कपड़े पहने थे सूट बूट में और उनको लगा बड़ी स्मार्टली बात भी कर रहे हैं क्यों तो वो लंदन में ही तो पढ़े थे तो गोशी उनके साथ बात करने गई बात करते हुए गांधी जी ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका में काम कीजिए सत्याग्रह में काम कीजिए तो गोशी बहन ने कहा कि जब आप भारत पहुंचेंगे और वहां अगर आप ये काम करेंगे तो आप मुझे बुलाना और हुआ क्या कि गांधी जी 1915 में भारत लौट आए थे और यहाँ एक मिल अगे फिर से एक मिल मालिक दानवीर और गांधी जी के शुभेच्छक जहांगीर पिटिट के घर में गोशी बहन गांधी जी से फिर से मिली और उसके बाद अपनी बहनें पेरिन और नरगिस के साथ तीनों गांधी जी की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी गांधी जी ने उन्हें विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने का काम सौंपा इन बहनों ने तो 800 महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और एक अहिंसक सेना बना दी और ये सारे विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग करने लगी थी गोशी बहन ने उस समय की एक घटना सुनाई थी शहर में कहीं पर एक पठान एक कुत्ते को मार रहा था और वहाँ पर एक तैनात एक पुलिस था तो उस पुलिस ने उस पठान को रोकने की कोशिश की पर दोनों के बीच में बहस हुई फिर दोनों लड़ने लगे और हुआ क्या कि पठान के सहायता करने के लिए कई मुस्लिम लड़के आके इकट्ठे हो गए और पुलिस की सहायता करने के लिए बहुत सारे पुलिस भी वहाँ आ गए और इन दोनों में झगड़े होने लगे थे ये खबर पेरिन बहन बे, के दफ्तर में पहुँच गई कि ये मुस्लिम और पुलिस के बीच में लड़ाई हो रही है पेरिन बहन तुरंत उठी और बोली कि मैं वहाँ जाती हूँ और इन लोगों को शांत करती हूँ ये बात सुन के गोशी बहन भी उनके साथ चल पड़ी अब जब वहाँ पहुँच देखा तो स्थानीय पुलिस कहीं छुप गए थे उनकी जगह सेना के सैनिकों ने ले ली थी और मुसलमान लड़के छोटे छोटे गुट बनाकर खड़े कहीं साइड में खड़े हो गए थे ये दोनों बहनें हिम्मत से उन लड़कों के पास गई और उनको नरमी से समझाते हुए कहा कि देखो ये अंग्रेज़ तो हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं आप लोग अगर आपस में इस तरह लड़ोगे तो वे हमें ख़त्म कर डालेंगे आप सब हमारे भाई हैं हमारी बात मेहरबानी करके मानिए और यहाँ से बिखर जाइए चले जाइए उन लड़कों ने आपस में थोड़ी फुसफुसाहट की बातें की और फिर ये हमारी वास्तव में हमारी बहनें हैं वे चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम हमें चले जाना ही चाहिए और वो सारे चले गए सेना के सैनिक भी सारे चले गए अब महिलाओं की निडरता का सशक्तिकरण का ये एक बड़ा प्रभावी उदाहरण है गांधी जी वास्तव में पारसमणि थे उनका दिखाया हुआ प्यार और अहिंसा का मार्ग वास्तव में अमन का मार्ग है उस पर विश्वास और दृढ़ता से चलते रहना हमारा दायित्व है रास्ता तो कई लोग दिखा देते हैं लेकिन चलना तो हमें ही है और तभी हम सह अस्तित्व और शांति में जी सकते हैं तो गांधी जी की ये बात को हम याद रखें और हम जहाँ भी हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें हम कैसे अहिंसा की बात आज के ज़माने में थोड़ी मुश्किल है पर उसके बिना और कोई चारा भी नहीं है अमन से जीने का धन्यवाद आप लोगों ने मुझे शांति से सुना